निर्मोही अखाड़े के संत व दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने शिप्रा में मिल रहे गंदे नाले का पानी व मेली हो रही शिप्रा को बचाने के लिए मंगलवार से अन्न त्याग दिया है। मंगलनाथ रोड पर भगवान अंगारेश्वर मंदिर के पास दादू आश्रम के ज्ञानदास ने मंगलवार को अपने आश्रम भगवत जी की कथा के समापन के बाद बात करते हुए कहा कि शहर में शिप्रा नदी की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। कई नाले अब भी शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। कई जगह पर शिप्रा नदी में काई जमा है, नदी मेली हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन इसकी सूद नहीं ले रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शिप्रा नदी में कान्हा नदी का दूषित जल मिल रहा है, जिसके कारण रामघाट पर गंदा पानी दिखाई देता है। साथ ही सप्तपुरियों में से एक भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। इसके बावजूद शासन प्रशासन इस शहर को पवित्र नगरी घोषित नहीं कर रहा है। इसके विरोध स्वरूप मंगलवार से अन्न का त्याग किया गया है। अब सिर्फ पेय पदार्थ जैसे दूध, जल और नारियल पानी ही ग्रहण करूंगा, जब तक कि मेरी दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती। मंगलनाथ रोड पर ब्रिज के नीचे दादू आश्रम के सामने ही एक बड़ा नाला सीधे शिप्रा नदी में मिल रहा है, जिसका गंदा पानी बड़ी मात्रा में शिप्रा नदी में मिलते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही त्रिवेणी के पास कान्हा नदी का गंदा पानी भी शिप्रा में मिल रहा है, जिसके लिए करोड़ रुपए बहा चुके हैं। इसके बावजूद शिप्रा नदी की हालात में सुधार नहीं आया है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने माना कि कुछ सीवरेज और गंदे नालों का पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है, लेकिन अब टाटा को अल्टीमेटम दे दिया है कि सीवरेज का पानी नहीं मिलने देंगे, जल्द ही टाटा अपने प्रोजेक्ट पूरा करेगा। इसके साथ ही रुद्र सागर का गंदा पानी और नाले के पानी को शिप्रा में मिलने के लिए माइक्रो पैनिंग तैयार कर रहे हैं। ये अभी चातुर्मास हम चार महीना यहीं माँ शिप्रा के किनारे बैठे भजन पूजन कर रहे हैं, तो माँ शिप्रा में जैसे हम गंदगी देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो चातुर्मास के दौरान हजारों श्रद्धालु इस उज्जैनी में पधारे हैं और इस माँ शिप्रा की दुर्दशा देख करके बड़े लोग असंतुष्ट हुए, दुखी हुए कि हम तो महिमा सुन करके इतनी दूर से आए हैं और ये नालों में तब्दील माँ शिप्रा, हम आचमन लेने लायक नहीं, आचमन के लायक भी जल नहीं है। तो ऐसा हमें बड़ा दुख हुआ और हमने एक ऐसा संकल्प किया है कि आज से अन्नव्रत जो है त्याग करके माँ शिप्रा की शुद्धि के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि इन सेवकों, शासन प्रशासन जो भी प्रतिनिधि है उनको अवगत कराए, महाकाल सद्बुद्धि दे और ये नालों में तब्दील माँ शिप्रा को शुद्धि करें। ये इसका कोई समय नहीं है, अनिश्चित काल तक ये व्रत रहेगा और हम जो है जब तक ये नालों में माँ शिप्रा में मिलते रहेंगे तब तक ये व्रत चलता रहेगा। महाराज जी आपने क्या त्यागा है, क्या क्या चीजें हैं या अन्य त्यागा है या उसके अलावा भी फिर हमेशा भूखे ही रहेंगे या कुछ भी? हम लिक्विड प्रसाद लेंगे ठाकुर जी का, जल है, नारियल पानी, दूध वगैरह ये सब लेंगे और बाकी अन्न और भोजन का परित्याग करते हैं।